Realme 12 Plus वर्सेस Vivo का T3 5G स्मार्टफोन, दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल नए नवेले हैं। Android 14 के साथ आते हैं, 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। लेकिन किंतु परंतु कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक स्मार्टफोन में लगभग लगभग कमी देखने को मिल जाते हैं। मैं एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं, डीपली स्पेक्स वाइज कंपेयर करते हैं बिना किसी इंट्रो वगैरह का। सबसे पहले यहाँ पे जो है डिजाइन की बात करेंगे। मैं यहाँ पे ज्यादातर बातें खींचकर लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा Realme वाला मुझे काफी पसंद आ रहा है। भाई पीछे के साइड में वीगन लेदर दे रहा है, आगे के साइड से काफी अच्छा लग रहा है दोनों स्मार्टफोन। पीछे के साइड में आपको Vivo में प्लास्टिक मिल जाता है फ्रेम, हालांकि दोनों स्मार्टफोन में प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। आगे के साइड से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हाँ, अगर बात करते हैं पोर्ट्स और बटन्स को लेकर, 3.5mm वाला जैक होल Vivo में नहीं मिलता है जबकि Realme में उपलब्ध है। साथ में स्टूडियो स्पीकर, ड्यूअल स्टूडियो स्पीकर दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। साथ में हाइब्रिड सिम स्लॉट दोनों स्मार्टफोन में और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। वही डिस्प्ले की बात करते हैं, लगभग लगभग सिमिलर चीजें हैं, बस थोड़े मोड़े अंतर है। मैं बताना चाहूंगा 6.7 इंचेस का एक AMOLED फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 395 394 PPI में दोनों ही फोन में लगभग मिलने वाली है। तो ये चीजें सिमिलर है, लेकिन जो ब्राइटनेस लेवल है ना वो थोड़ा सा अंतर है। Vivo में आपको 1800 nits जो है पीक ब्राइटनेस लेवल मिल जाता है जबकि Realme में आपको 2000 nits जो है पीक ब्राइटनेस लेवल है। बस ज्यादा नहीं, बस आप ब्राइटनेस में थोड़ा सा अंतर है। बाकी जो मैं कहूंगा डिस्प्ले दोनों ही फोन में अच्छे मिल रहे हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वही बात करते हैं भाई परफॉर्मेंस गेमिंग वाइज, यहाँ पे सबकी निगाहें होती है। तो डायमेंसिटी 7050 आपको Realme में जबकि डायमेंसिटी 7200 चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 4nm का है, वो है Vivo T3 में। मैं अब यहाँ पे एक वर्ड में बताऊं, गेमिंग वाइज भाई Vivo T3 5G स्मार्टफोन काफी कमाल का होने वाला है। तो आप ये अंततः स्कोर से देखकर समझ सकते हैं कि आखिर Vivo T3 5G स्मार्टफोन कितने ज्यादा स्कोर बनाता है अंततः स्कोर में। लेकिन अंतर एक और है, देखा जाए ना तो LPDDR4X RAM टाइप दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, लेकिन Vivo में आपको ना UFS 2.2 स्टोरेज साइज देखने को मिल जाता है जबकि Realme में आपको UFS 3.1 स्टोरेज साइज देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा फास्ट चलाएगा स्मार्टफोन को। जो ऐप ओपन करते हैं या फिर फाइल ट्रांसफर वगैरह करते हैं तो वो Realme में थोड़ा सा फास्ट होगा। अगर बात करते हैं भाई बैटरी पैक को लेकर, 5mAh की बैटरी और 44W का जो है चार्जर Vivo में और 5mAh का बैटरी और 67W का जो है चार्जर Realme में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई कैमरे में क्या सीन होने वाला है। 50MP LYT 600 के नाम से सेंसर दिया जा रहा है, 8MP का एक अल्ट्रा वाइड है, 2MP मैक्रो के नाम पे, आगे के साइड से 16MP Realme में देखने को मिलता है जबकि Vivo में 50MP IMX 882 सेंसर जो काफी थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है LYT 600 से। देखा जाए तो 2MP, बात हुई खत्म। और एक फ्लिकर सेंसर दिया जा रहा है Vivo में, आगे के साइड से 16MP देखने को मिलता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो दोनों स्मार्टफोन में ना एकदम 4K रिकॉर्डिंग 30fps पीछे के साइड से, आगे के साइड से 1080p 30fps होने वाला है। अब यहाँ पे मगज में मेरा मतलब दिमाग में बात ये आती है कि भाई बेस्ट कैमरा फोन कौन सा है। मैं बता दूं IMX 882 सेंसर है जो कि IQ Z9 में लग के आया था, वो काफी तगड़ा, मैंने यहाँ पे सैंपल्स देखे। मेरे हिसाब से देखा जाए तो Vivo का कलर साइंस काफी तगड़ा होने वाला है। आप मेरे स्कैनर पर मत जाइएगा, मैं सिर्फ यहाँ पर जुबानी तौर पर ही कह रहा हूँ। मेरा यह मानना है कि आप किसी बड़े यूट्यूबर का, टेक यूट्यूबर का कैमरा कंपैरिजन जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको एक बेहतर आइडिया लग सके। और मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, हवा हवाई बातें क्यों करना है? आप समझ सकते हैं कहने का मतलब। सबसे तगड़ा स्मार्टफोन कौन सा है यहाँ पे मैं कहूँगा यार Vivo वाला मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हालांकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि Realme में काफ़ी ज़्यादा है। मैं Realme का पहले गिना देता हूँ, जैसे कि आपको 3.5mm वाला जैक होल मिल जाता है Realme में। साथ में देखा जाए तो 67W का जो है चार्जर देखने को मिलता है और जो स्टोरेज टाइप है ना UFS 3.1 वो अच्छा चीज मिल जाती है। तो ये 3 पॉइंट Realme में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर Vivo का क्यों कह रहा हूँ कि अच्छा है, क्योंकि यार यहाँ पर परफॉर्मेंस ना एकदम टॉप नॉच का मिलने वाला है। और जैसे मैंने कहा भाई सोनी IMX 882 सेंसर जो कैमरा है ना वो काफी अच्छा मिल जाता है, OIS दोनों में मिल जाता है, लेकिन 882 सेंसर काफी तगड़ा है, परफॉर्मेंस और कैमरा सेक्शन काफी तगड़ा है। इस वजह से मैं कहूंगा Vivo की आप तरफ जा सकते हैं। बाकी ये रही पूरी जानकारी, मैंने खुले दिल से वीडियो बनाया। Realme पसंद करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा कम देखने को मिलेगी। पूरी जानकारी पूरी हुई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, साइनिंग आउट।